डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। उत्तर प्रदेश में होने वाला राज्यसभा चुनाव अब रोचक होने जा रहा है, क्योंकि प्रकाश बजाज ने आज बतौर निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना समर्थन भी दे दिया। यानी समाजवादी पार्टी एक सीट पर तो जीत की स्थिति में है और दूसरी सीट पर उसने निर्दलीय को समर्थन दे दिया है। ये वो सीट है जहां से बीएसपी ने रामजी गौतम को खड़ा किया है। कुल मिलाकर 10 सीटों पर अब कुल 11 उम्मीदवार हो गए हैं। बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि 9वीं सीट पर समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव की जीत लगभग तय है। लेकिन 10वीं सीट जिस पर बीएसपी ने अपना दावा ठोका था, बीएसपी के राम जी गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया था, अब उसी सीट से समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से एक निर्दलीय को समर्थन देकर 2 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और अब छोटे और दूसरे दलों की भूमिका बेहद बड़ी होने जा रही है, क्योंकि एक सीट के लिए मतदान होना लगभग तय है। और अब ये देखना है कि इस राज्यसभा चुनाव में 8 सीट बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के अलावा क्या बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 18 विधायक हैं और जीतने के लिए 37 विधायकों की ज़रूरत है, वो सीट निकाल पाती है या नहीं। क्योंकि अब प्रकाश बजाज के मैदान में उतरने और समाजवादी पार्टी के उन्हें समर्थन देने के बाद अब ये पूरा खेल खुलकर सामने आने वाला है। अब देखना यह है कि ये खेल किस तरीके से चुनाव में बदलता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की इस सीट पर कहीं ना कहीं अब दांव पर उनकी प्रतिष्ठा लगने जा रही है। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।